जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। तो बच्चों, हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास लेके चल रहे हैं। दो दिन क्लास नहीं हो पाए थे, लेकिन अब क्लासें रेगुलर होने वाली हैं, ठीक है। तो ग्रामीण विकास में हम लोगों ने भैंस के नस्लों के बारे में और गाय के नस्लों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। और फिर उसी के द्वारा एक डेवलप किया गया ICAR, ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुरू देखा। तो ये दिल्ली, तो इसने दिल्ली में हस्बेंड्री शुरू की, एनिमल हस्बेंड्री शुरू की, जिससे यहाँ पर क्लोनिंग तैयार किया गया, ठीक है। तो 2009 में सबसे पहले विश्व का सबसे पहला भैंस का क्लोन तैयार किया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर जून 2009 में फिर भैंस का एक क्लोन फिर से तैयार किया गया। पिछली बार जो तैयार किया गया था वो फीमेल था, सॉरी मेल था, अब की बार जो तैयार किया गया वो फीमेल था, जिसका नाम था क्या, महिमा, जिसका नाम था महिमा। और उसके बाद महिमा से ही एक और क्लोन बनाया गया, यानी कि क्लोन का क्लोन बनाया गया गरिमा। दोनों भैंस की नस्लें और दोनों भैंस की नस्लें क्या हैं, ये दोनों क्लोनिंग से तैयार की गई। फिर 2015 में 11 सितंबर 2015 में हिसार केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार ने ही एक और क्लोन का तैयार किया, जिसका नाम था हिसार गौरव, ठीक है। ये क्या था मेल था हिसार गौरव। आज हम लोग देखेंगे भेड़ की नस्लों के बारे में, किसके बारे में, तो आज हम लोग देखेंगे भेड़ की नस्ल, ठीक है, भेड़ की नस्ल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग भेड़ की नस्ल के बारे में देखें तो अब तक भारत ने कुल 26 नस्लों को क्या दिया है, तो भारत ने मान्यता दिया है, कुल 26 नस्लों को क्या दिया है, मान्यता दिया है। फिर उसके बाद आगे हम लोगों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऐसी नस्लें हैं जो प्रमाणित हैं, ठीक है, ये 26 नस्लें जो हैं ये प्रमाणित हैं। इन नस्लों के बारे में हम लोगों को नहीं जानना है, लेकिन हम लोग कुछ नस्लें यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, अगर देखा जाए विश्व की कुल भेड़, ठीक है, कुल भेड़ों की संख्या, ठीक है, किसमें, तो आप कहेंगे विश्व में, ठीक है, विश्व का कितना परसेंट भेड़ भारत में है, तो आप कहेंगे कि सर 6.4% भेड़ जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, तो भारत में पाई जाती हैं। ये बात आप लोगों को समझ लेनी होगी कि भेड़ की जो विश्व की कुल संख्या है उसका 6.4% कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और कुल 26 नस्लों को भारत में क्या दिया गया है, मान्यता दे दिया गया है। भेड़ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप जानते हैं भेड़ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऊन के लिए, मांस के लिए और दूध के लिए किया जाता है, ठीक है। भेड़ का प्रयोग ऊंट, मांस और किस चीज़ का, ठीक है, तो ऊन मांस और दूध के लिए की प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं के लिए इनके नस्लों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऊन के लिए किस भेड़ की नस्ल और मांस के लिए किस भेड़ की नस्ल और दूध के लिए किस भेड़ की नस्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें ऊन के लिए, तो सबसे पहले बीकानेरी नस्ल है राजस्थान की, ठीक है, इसके लिए ऊन के लिए ये सबसे प्रसिद्ध भेड़ है। और ये भेड़ की संख्या जो है राजस्थान में सर्वाधिक है, ठीक है, बीकानेरी जो भेड़ की नस्ल है उनके लिए ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, इसकी संख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है अगर इसकी संख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो अब देखिए, और क्या उनके लिए कौन सी है, तो और उनके लिए है भाकरवाल और भादरवाल, ठीक है, दो है, एक है भादरवाल
ये दोनों के दोनों कहाँ पे पाई जाती हैं? तो जम्मू कश्मीर। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, राजस्थान में और भी जिलों में और भी जगहों पर पाई जाती हैं, लेकिन अधिकता में कहाँ पर पाई जाती हैं वो हम लोगों को देखना है। देखिए, अपने यूपी में जो होती है मांस के लिए सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, मांस के लिए जो भेड़ पाई जाती है उसका नाम है जालौनी। ठीक है, जो जालौनी है ये अपने यूपी में पाया जाती, अपने यूपी की नस्ल है जालौनी, ये अपने यूपी की नस्ल है, ये बात आप लोगों को समझ लेना होगा। ठीक है, और मांस के लिए और एक है नैलोरी। ठीक है, नैलोरी, देखिए जो ये नैलोरी है, ये जो नैलोरी है इस बात को आपको समझ लेना है, ये जो नैलोरी है ये भी किसके लिए? मांस के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये आप ये ना समझ के चलिए कि ये सिर्फ ग्रामीण प्रवेश में ही आएगा, ये ग्रामीण प्रवेश के अलावा जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है, ये ग्रामीण प्रवेश का ही पार्ट नहीं है कि ये समझिए कि लेखपाल में ही आएगा, लेखपाल के अलावा जितने भी पेपर होते हैं उनमें भी आता है, यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है, एसएससी में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सभी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और नस्ल पूछी जाती है, जा सकते हैं वो तो पूछी जाती है। देखिए, अब दूध के लिए जो लेही नाम की लेही, ठीक है, दूध के लिए जो सबसे बेहतरीन है और जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, लेही कहाँ पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर पाई जाती है हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर? तो हरियाणा में, हरियाणा में लेही नाम की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, ठीक है, हरियाणा में। चलिए, मैंने भैंस के लिए बताया था सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, तो आपने कहा मुर्रा। फिर इसके बाद गाय के लिए बताया था जर्सी, ठीक है, गाय के लिए जर्सी। और भेड़ के लिए आप देखें तो भेड़ के लिए कौन सी है? लेही, जो कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है। कूका और गरेज, ठीक है, कूका और गरेज, ये भी जो दोनों नस्लें हैं कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये भी दूध के लिए जानी मानी नस्लें हैं। ठीक है, ये भी दूध के लिए जानी मानी नस्लें हैं। तो इतना नोट करिए, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर चुके होंगे आप लोग, या स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, बाद में नोट किया करिए, दोबारा वीडियो देखा करिए। ठीक, दोबारा वीडियो देखा करिए और फिर उसके बाद क्या करा करिए, नोट किया करिए। जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार वीडियो देखा करिए, क्योंकि हम आपके कब्जे में हो जाते हैं, वीडियो में आने के बाद हम आपके कब्जे में हो जाते हैं। आप हमसे जितना बार बुलवाएंगे उतना बार बोलेंगे, सिर्फ आप क्या करना होगा, आपको बार बार रिवर्स करके देखना होगा बस, बाकी तो हम आपके कब्जे में होते हैं उस समय। चलिए, बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? ठीक है, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली, ऊन उत्पादन करने वाली भेड़, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, ठीक है, भेड़ की नस्ल लिख लेते हैं, भेड़ की नस्ल। तो क्या नाम है इसका, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे मेरिनो, ठीक है, मेरिनो। और ये जो मेरिनो है कहाँ पर पाई जाती है? तो स्पेन में, ठीक है, स्पेन में पाई जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जान लेना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जान लेना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप कहिएगा कहाँ है? हिसार में है, ठीक है, हिसार में। और क्या है? मैंने अभी बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है, तो क्या है जल्दी से आप लोग बताइए, हिसार में कब है? तो हिसार में क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र भी है। तो एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए जी, 1968, ठीक है, ये कब? 1968 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन ये क्रियान्वित कब हुआ? तो 1969 में, ठीक है, 1969 में ये क्रियान्वित हुआ।
किसकी सहायता से बनाया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सहायता से ये बनाया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से बनाया गया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ें दो बार तीन बार वीडियो देख ही लेनी चाहिए, और दो बार तीन बार वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोगों को याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग इतना काम तो करेंगे ही, तभी होगा। ठीक है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो जब आप लोग इसे बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये राजस्थान में है, तो मैं पूछूंगा सर राजस्थान के कहाँ पर है? ठीक है, राजस्थान के कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंबिकानगर में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंबिकानगर। ठीक है, राजस्थान के अंबिकानगर में है। राजस्थान के कहाँ है? तो राजस्थान के अंबिकानगर में है। बात आपको क्लियर हुई होगी? ठीक है, आपको बात क्लियर हुई होगी क्या कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंबिकानगर राजस्थान में है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस नस्ल से होता है? तो मेरिनो। ठीक है, मेरिनो। अब चलिए, भेड़ की एक क्लोन बनाई गई। ठीक है, भेड़ की एक क्लोन बनाई गई जिस भेड़ जिससे बनाया गया उसका नाम था पश्मीना भेड़। ठीक है, पश्मीना भेड़ से एक क्लोन बनाया गया जिसका नाम क्या था? नूरी। ठीक है, और ये फर्स्ट क्लोन था भारत का। ठीक है, फर्स्ट क्लोन था कहाँ का? तो फर्स्ट क्लोन था भारत का। ये फर्स्ट क्लोन भारत का था, भेड़ का क्लोन बनाया गया जो कि पश्मीना भेड़ से बनाया गया, नूरी नाम था जिसका, और ये भारत का फर्स्ट क्लोन था। और आप लोग को एक चीज़ और आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक बकरी की नस्ल भी होती है जिसका नाम होता है पश्मीना। ठीक है, एक बकरी की भी नस्ल है जिसका नाम क्या है? पश्मीना, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पश्मीना है वो कि क्या है? बकरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो भारत में एक क्लोन बनाया गया भेड़ का जिसका नाम, जो किस भेड़ से बनाया गया? पश्मीना भेड़ से बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नूरी। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछा जाए नूरी किसकी नस्ल है, नूरी किसकी नस्ल है, तो आप कहेंगे सर नूरी भेड़ की नस्ल है। चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि भेड़ की जो कहानी थी मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दी, अब हम लोग बकरी की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? बकरी की कहानी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग आप अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे। जब तक आपके लेखपाल का पेपर होगा तब तक मैं आप लोगों को ग्रामीण प्रवेश के साथ साथ यूपी स्पेशल ख़त्म करा चुका रहा होगा विथ क्वेश्चन। ठीक है, विथ क्वेश्चन, बस आप लोग प्रॉपर वे में हमसे जुड़े रहिए। चलिए, अब आते हैं बकरी के नस्ल की। ठीक है, बात करते हैं किसकी? बकरी की नस्ल। आप देखो, बकरी की नस्ल जब हम लोग पढ़ने चले तो बकरी को क्या कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है, बकरी को क्या कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है गरीबों की कामधेनु। गरीबों की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, बकरी के अगर दूध की बात करें, तो बकरी के दूध में बहुत ही मात्रा में आयरन और पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? आयरन और पोटेशियम। मैं यहाँ पे दो तीन बार प्लस लिख दे रहा हूँ, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, और पोटेशियम पाया जाता है। अब देखिए, आयरन जो पाया जाता है ये गाय और भैंस के दूध से 10 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा होता है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, आई बात समझ में? हाँ, बिल्कुल आई होगी आप लोगों को। जो बकरी के दूध में आयरन है, ये जो पाया जाता है गाय और भैंस के दूध में जितना आयरन होता है उसका 10 गुना। इसीलिए जो बकरी का दूध है, जैसे आपको डेंगू वगैरह हो गया, ठीक है, कई टाइप के बुखार हो गए अगर आपको,
तो आपके बुखार होने पे, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि आप किसका प्रयोग करिए, आप बकरी के दूध का प्रयोग करिए। तो बकरी के दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तो बकरी के दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बकरी को गरीबों का कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, बकरी को गरीबों का कामधेनु कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब देखिए, मैंने अभी बताया था पश्मीना, ठीक है, पश्मीना बकरी विश्व प्रसिद्ध बकरी की प्रजाति है। पश्मीना बकरी विश्व प्रसिद्ध बकरी की प्रजाति है। बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई, बात आपको अगर यहाँ तक क्लियर हो गई बच्चा लोग, तो आगे बात कर लेते हैं। पश्मीना बकरी विश्व प्रसिद्ध बकरी की प्रजाति है, ठीक है। तो अब अगर बात कर लें और कौन सी है, तो एक बकरी है जिसका नाम है जमुनापरी, ठीक है, जमुनापरी। जो जमुनापरी है ये आकार में सबसे बड़ी होती है, आकार में सबसे बड़ी, ठीक है। जमुनापरी आकार में क्या होती है, जमुनापरी आकार में सबसे बड़ी होती है। बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई, जमुनापरी आकार में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई। चलिए अब उसके बाद अंगोरा बकरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अंगोरा बकरी, जो अंगोरा बकरी है, जो अंगोरा बकरी है ये ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इससे एक शॉल बनाई जाती है, ठीक है, इससे जो एक ऊन बनाया जाता है उसका नाम है, ठीक है, मोहेयर, ठीक है, मोहेयर ऊन। ये जो है ए क्वालिटी का ऊन है, ठीक है, ये ए क्वालिटी का ऊन है। मोहेयर ऊन जो होता है ए क्वालिटी का ऊन होता है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ऊन होता है। और इस ऊन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इससे एक शॉल बनाया जाता है। अगर आप जम्मू कश्मीर वगैरह में जाएंगे, ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर वगैरह में जाएंगे और आप कहेंगे हमें शॉल चाहिए, तो वो कहेंगे ये वाला दे दें क्या शॉल, ये काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी गर्म ऊन है। अगर इसे एक छोटे से, मतलब इतने छोटे से रिंग से अगर इसे पूरे शॉल को निकाला जाए तो आसानी से निकल जाता है इसमें, ठीक है, ये इतने सिकुड़ने में समर्थ होते हैं, ये ऊन इतना अच्छा होता है। और एक को, एक और बकरी का नाम है जिसका नाम है एंग्लो लुबियन, ठीक है, एंग्लो लुबियल। जो एंग्लो लुबियल है ये यूरोप में पाई जाती है, ठीक है, यूरोप में एंग्लो लुबियल यूरोप में पाई जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रजाति को क्या कहा जाता है, तो बकरियों की जर्सी कहा जाता है। देखिए, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है, इसकी तुलना गाय से की गई है, जर्सी गाय से की गई है। तो एंग्लो लुबियन जो होता है इन्हें बकरियों की जर्सी कहा जाता है। ये पाई जाती है यूरोप में सबसे अधिक मात्रा में दूध देती हैं। चलिए नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, तो सनेन बकरी, ठीक है, नेक्स्ट है सनेन बकरी। इन्हें बकरियों की रानी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, बकरियों की रानी कहा जाता है। तो पेपर में अगर पूछे कि बकरियों की रानी बकरी के किस नस्ल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सनेन, ठीक है, आप क्या कहेंगे, सनेन। कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड।
लैंड। बिल्कुल आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक है। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई है तो एक और बकरी का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, जिसका नाम है बलूची। क्या नाम है? बलूची। और ये जो बलूची बकरी है ये मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, मांस के लिए विश्व, मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है, मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि बकरी केंद्र अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये बात आप लोगों को नोट करके रख लेनी है। और नोट करके रख नहीं लेनी है, क्या कर देनी है, हमें बता देनी है कमेंट में, ताकि आप लोग क्या करें, ताकि आप लोग कुछ मेहनत मेहनत करो भाई, आप लोग आंसर नहीं देते हो कभी कभी, तो क्या होता है, मन थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है कि इतनी मेहनत करके पढ़ाओ इन लोगों को और ये लोग आंसर नहीं देते हैं, सिर्फ देख लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, सर थैंक यू, सर बहुत अच्छी क्लास थी, बस मज़ा आ गया सर। तो ये सब लिखने से अच्छा है कि आप अपने जो उंगली है की पैड पर चलाइए आंसर लिखने के लिए, की पैड पर चलाइए आंसर लिखने के लिए, जिससे ये लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पढ़ो और पढ़ के सिलेक्शन लो, ठीक है, पढ़ के सिलेक्शन लो, क्योंकि आप लोगों का मेन कर्तव्य जो है वो क्या है, सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपका साथ दे रहे हैं, आप 24 साल 25 साल 26 साल तक आप लोग का साथ देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का साथ नहीं देंगे, आप लोग कहेंगे जाओ भैया कमाओ, और कमा के अपना जीवन यापन करो, मन करे नौकरी करो, मन करे तैयारी करो। लेकिन एक समय होता है, एक दायरा होता है जिसमें मम्मी पापा साथ देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं देते। अगर आप बहुत अमीर हैं तो बात ही अलग है, मैं मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जब आप 25-26 साल के हो जाएंगे, अगर आप बच्चियाँ हैं तो आपकी शादी कर दी जाएगी, फिर आप जानती हैं कि आप तैयारी इतनी अच्छे से फिर नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए अभी जो समय मिला है, यूनिक समय जो मिला है, उस समय का प्रयोग करिए, और उस समय का प्रयोग करके आप सिलेक्शन लीजिए, ताकि आप लोगों को ऊपर कोई बर्डन ना रहे। आप लोग जहाँ भी जाएँ, जो भी है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, जहाँ भी जाएँ अपने आप में एकदम बेहतरीन रहें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।